भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश का सबसे बड़ा शहर जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यही मुंबई दिखने में जितनी रंगीन एवं चकाचौंध लगती है, रातें उतनी ही काली होती है। सपनों का शहर मुंबई जाने की चाहत हर किसी का होता है, लेकिन मुंबई की कुछ बातें ऐसी है जिसे जानकर और देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, अगर आप संवेदनशील हैं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस एपिसोड में। वीडियो मज़ेदार होने वाली है तो लाइक करना ज़रूरी है। दोस्तों, जहां मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है, वहीं सबसे अधिक गरीबी भी है। इसी मुंबई का काला सच है कमाठीपुरा। देश के बड़े रेड लाइट एरिया में शुमार कमाठीपुरा मुंबई के लिए काली के समान है। कमाठीपुरा का नाम यहाँ काम करने वाले कामती कर्मचारियों के नाम पर रखा गया था। सैकड़ों कमरों में हजारों की संख्या में बेस्याएँ यहाँ रहती है, जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। 16 गलियों से बनी यह इलाका हर समय लड़कियाँ अपने ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती है। दूर से सुंदर दिखने वाली इस शहर का सबसे काला सच है यह कमाठीपुरा। दोस्तों, मुंबई के कमाठीपुरा का इतिहास बेहद ही पुराना है। यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा भी काफ़ी पुराना है। 1800 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में यहाँ लोगों के मनोरंजन हेतु नृत्य गान का आयोजन हुआ करता था। लड़कियाँ मुंजरा करके अपने ग्राहकों को रिझाती थी। कालांतर में बदलते परिस्थिति के कारण यहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा पनपने लगा। गरीब एवं असहाय महिलाएं रोजी रोटी कमाने के खातिर जिस्म फरोशी के दलदल में फंसती चली गई। मुंबई शहर में आर्थिक गतिविधि तेजी होने से मुंबई को विकसित होता देख लोगों का आकर्षण मुंबई की तरफ बढ़ा और इन्हीं कारणों से रेड लाइट एरियाओं का विकास होने लगा। कमाठीपुरा में लड़कियों को कई तरह के लालच देकर लाया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि जगहों से लड़कियों को बहला फुसला कर इस दलदल में धकेल दिया जाता है। यहाँ बाकायदा रेट फिक्स हुआ करती है। माल जितनी टाइट होगी, फीस उतना ही अधिक होता है। कम उम्र की लड़कियों का डिमांड सबसे अधिक होता है। सेक्स वर्क से जुड़ी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। लड़कियां अगर सेक्स के लिए तैयार नहीं होती है तो कई तरह के इंजेक्शन देकर घपाघप करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे यही लड़कियां इन सब बातों की आदि हो जाती है और मज़े से ठुकवाने लगती है। बेहद ही कम पैसों में मजबूर और बेबस लड़कियां अपने जिस्म को बेचती है। यहां अधिकांश लड़कियां नेपाल एवं बांग्लादेश से लाया जाता है। एक बार जो इस दलदल में फंसी, दोबारा निकल ही नहीं पाती है। कुछ लड़कियां मजबूरियां बस इस धंधे को अपनाती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी होती है जो शौक से ठुकवाती है। बड़े बड़े घरों की लड़कियां अपने तन की आग शांत करने के लिए ऐसी काम करती है। कुछ कॉलेज की भी लड़कियां इस धंधे में शामिल होती है। चाहे जो भी हो, यह कमाठीपुरा मुंबई के लिए एक कालिख के समान है। सरकार को चाहिए कि इन सेक्स वर्करों के उत्थान के लिए किसी तरह का योजनाओं को विकसित किया जाए, ताकि वे लड़कियां अपनी बेबसी को ख़त्म करके एक नई जीवन यापन शुरू कर सकें।